बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं क्रिकेट विद नदीम, मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वेलकम करता हूँ आज के छोटे से टॉक शो में। छोटी सी वीडियो में बात करेंगे रमीज राजा सर के हवाले से कि भारत ने औकात दिखा दिया है रमीज राजा सर को, और रमीज राजा सर की हकीकत क्या है इस पर भी बात करेंगे। पास में उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं और कुछ जो है ना बुरा किया है, इस हवाले से निगाह डालेंगे, इसके ऊपर कम्प्लीटली बात करेंगे। क्योंकि रमीज राजा सर कह रहे थे कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आप लोगों ने। वीडियो को अगर स्किप करेंगे तो आप बात को समझ नहीं पाएंगे, तो फिर आप आगे नीचे जो है ना कमेंट करने शुरू हो जाओगे, तो फिर इस तरह से नहीं होगा। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। इतना ज़्यादा आप लोगों को टाइम नहीं दूंगा। और बात का आगाज़ करने से पहले छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद नदीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह क्रिकेट के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए जी, बात कर लेते हैं जी रमीज राजा सर के ऊपर। देखें, ये सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, हर जगह पर यही बात चल रही है कि भाई पाकिस्तान जो है इंडिया नहीं जाएगा 2023 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए, बल्कि एशिया कप कैंसिल हो चुका है। एशिया कप पाकिस्तान में नहीं, दुबई में होगा, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर। तो इस पर जो है ना रमीज राजा सर को जी, पहले रमीज राजा सर ने मुंह तोड़ जवाब दिया था इंडिया वालों को, तो अब इंडिया वालों की तरफ से एक जो है ना बयान आया है, बीसीसीआई की तरफ से रिप्लाई आया है रमीज राजा सर के लिए। बल्कि मैं कहूँगा कि भारत ने औकात दिखा दी है रमीज राजा सर को कि ये तुम्हारी औकात है। उन्होंने क्या बोला है कि भाई आप नहीं आते हो तो ना आओ, हमें कोई भी जो है ना फ़र्क नहीं पड़ता वर्ल्ड कप खेलने के लिए, ठीक है, आप नहीं आते तो ना आओ, ठीक है। हम अपने तौर पे एनालिसिस कर रहे होते हैं कि भाई फलाने को इतना नुकसान हो जाएगा, फलाने को इतना नुकसान हो जाएगा। फिर इसके अलावा जो है ना एक्स क्रिकेटर पाकिस्तान के दानिश कनेरिया ने भी कहा है कि जो है ना ये स्लैब मारा है रमीज राजा के मुंह के ऊपर, जो है ना धप्पड़ मारा है बीसीसीआई ने कि भाई आप वर्ल्ड कप नहीं खेलने आओगे तो डोंट डिजर्व, ठीक है, आप नहीं जाओ, ठीक है। ये उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली जवाब दिया है। और थोड़ा सा बात करेंगे कि भाई ये पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप का बाइकॉट किया है, किस किन वजहों पर किया है यार, क्या वजह। देखें, इसमें वसीम अकरम के बयान देखते हैं आप, वकार यूनुस की बात कर लें, हर कोई ये कह रहा है कि रमीज राजा को इस तरह से नहीं आके बयान देने चाहिए, ठीक है। बात यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ करते हैं सिर्फ और सिर्फ बातों के टटू हैं, ठीक है, हम सिफारशी कल्चर के ऊपर चल रहे होते हैं, ठीक है। हम थोड़े से टाइम के लिए खुशी तो दे देते हैं, सबल बाग दिखा दे देते हैं, फिर उसके अलावा लॉलीपॉप मीठा सा दे देते हैं आवाम को और जो है ना क्रिकेट को पसंद करने वालों को, बाकी जो है ना इनकी आपस में हलचलें लगी रहती हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं हकीकत बताता हूँ। हकीकत तो यह है कि रमीज राजा सर जो है ना बातें बहुत करते हैं, यकीन जानिए बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। जितनी ज़्यादा बातें इनसे करवा लें या किसी के साथ झगड़ा करवा लें, किसी रिपोर्टर के साथ, जर्नलिस्ट के साथ झगड़ा बिल्कुल करते हैं, ठीक करते हैं, एग्जैक्ट करते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए तो उन्होंने बिल्कुल कोई काम नहीं किया, मैं बता दूं आप लोगों को, उन्होंने बिल्कुल कोई काम नहीं किया। किस वजह से नहीं किया, आप लोगों को पता होगा कि भाई एशिया कप का जो हमारा मैच था अफगानिस्तान के साथ, तो रमीज राजा सर ने क्या बोला था कि हम लोग, इसी चैनल पर मैंने आप लोगों को न्यूज़ दी थी, वो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी, ठीक है। तो उस पर रमीज राजा सर ने बाइकॉट कर दिया था कि भाई हमें अफगानिस्तान के साथ वर्ल्ड कप का जो प्रैक्टिस मैच है, वार्म अप मैच है, हम नहीं खेलेंगे। लेकिन ये देखें, वही वाला रमीज राजा सर है जिसने मीठा लॉलीपॉप दिया बातों का टट्टू, और अभी जो है ना क्या कर रहा है, अभी भी ये बातें कर रहा है, बाइकॉट कर रहा है, मुंह का बाइकॉट कर रहा है। जब वर्ल्ड कप आएगा नजदीक फिर देख लेंगे। 2012 में 11 में भी ये सिचुएशन बनी हुई थी, फिर उसके बाद पाकिस्तान की टीम ने वहां पर जाके वर्ल्ड कप खेला था, ठीक है, वर्ल्ड कप खेला था। तो ये सिर्फ करते हैं बातों के बातें करते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं करते, आवाम को आपस में बढ़ाते हैं, ठीक है। जो क्रेजी फैंस ऑफ क्रिकेट है ना, उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फेरना हो या नमक छिड़कना हो तो ये रमीज राजा सर से कुछ सीखे। ये दोगलापन, दोगला पॉलिसी जो है ना, ये रमीज राजा सर की ये नहीं चलेगी। भाई साहब आप कैसे बाइकॉट कर सकते हो, आप आईसीसी के साथ लड़ाई कर सकते हो, अभी अभी खुदा खुदा करके हमारी क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर बहाल हुई है, और ऊपर से आप कह रहे हो हम बाइकॉट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये लगता ही है कि दिन थोड़े ही रह गए हैं, ठीक है आपके। तो अफगानिस्तान से मैच नहीं खेले, वो वार्म अप मैच था, ठीक है, वार्म अप मैच था, लेकिन पर इस रमीज राजा सर की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वर्ल्ड कप में जो है ना प्रैक्टिस मैच, वार्म अप जो मैच था, वो जो है ना बाइकॉट कर लेते। अवाम को भी यही बातें सुनकर मजा आता है, और सच अवाम भी सुनना चाहती है, सच बोल नहीं सकते। रमीज राजा सर को जो है ना टीम के अंदर जो है ना आप देख सकते हैं, जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं टेस्ट टीम के अंदर, यार आप मुझे बताओ यार, अब्दुल्ला शफीक किसका फेवरेट है रमीज राजा सर का, खुशदिल शाह किसका फेवरेट है रमीज राजा का, हैदर अली किसका फेवरेट है रमीज राजा का, ठीक है। तो ये देखें आप, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। तो जब तक हम हकीकत या सच सामने नहीं बोलेंगे तब तक कुछ भी नहीं है। इसी तरह से बयानबाजी एक तरफ से भी होगी, दूसरी तरफ से भी होगी, आवाम को तो सुन के मजा आएगा ना जी,
अवाम तो क्या करेगी, एक दूसरे को गलियां निकालेगी और क्या करेगी। तो वर्ल्ड कप जाता है बाहर में तो जाए। तो बहरहाल ये थी अपडेट्स। तो रमीज राजा सर जो है ना, थोड़ा सा उनको आगे आना चाहिए, उनको थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए, थोड़ा सी अच्छी सी स्टेटमेंट तैयार करनी चाहिए, नहीं तो इस तरह से मामला खराब होंगे भाई। क्रिकेट हमारी पहली जो है ना टीम जो है ना, इस तरह से प्रॉब्लम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ठीक है, परफॉर्मेंस में अच्छी है, बॉलिंग में बहुत अच्छी है, बैटिंग के अंदर जो है ना आप कह सकते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाय द वे बॉलिंग में बहुत अच्छी है। तो पाकिस्तान को इस तरह से नहीं करना चाहिए, इसका कोई हल निकालना चाहिए, अदरवाइज ये बयानबाजियाँ ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो बल्कि हकीकत में जो है ना, भारतीयों वालों ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया ना रमीज राजा सर को, तो आप रमीज राजा सर की उसके बाद हिम्मत तक नहीं हुई कि भाई आगे वो लेटेस्ट कोई बयान देता या न्यूज़ देता इसके ऊपर। तो ये चीज़ें इस तरह से नहीं होंगी मेरे भाई। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ अपनी कीमती आवाज़ से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, सलाम हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।